इधर भोपाल में कांग्रेस पार्षद के भरे मंच से अपने विधायकों को घेरने का रोचक मामला सामने आया। बता दें कि भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विकास कार्यों का आभार जताने एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्षद नसीम राजा ने विधायक पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। पार्षद ने भोपाल मध्य के साथ साथ भोपाल उत्तर में भी विधायकों की निष्क्रियता का आरोप जड़ दिया। बस फिर क्या था, भरे मंच से अपनी फजीहत होते देख विधायक आरिफ मसूद पकड़ लिया। आपको बता दें कि नसीम राजा भोपाल के वार्ड नंबर 43 से पार्षद है। उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ कोई विकास नहीं हुआ। गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ कोई विकास नहीं। गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ कोई विकास नहीं हुआ। गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ कोई विकास नहीं हुआ। गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ कोई विकास नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, वीडियो जो वायरल हो रहा है वो हमने देखा कि सम्मान कार्यक्रम में किस तरीके से फजीहत की जा रही है, विस्तार से बताइए इस पूरे मामले को। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। ऐसा ही वाकया भोपाल में देखने को मिला, जब भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का अभिनंदन कार्यक्रम था। वहां पर विकास कार्यों के लिए उन्होंने जो अपने मध्य क्षेत्र में विकास करवाए हैं उसको लेकर उनका अभिनंदन था, और वहीं पर कांग्रेस की पार्षद ने उनकी फजीहत कर डाली। उन्होंने साफ तौर पर मध्य का भी नाम ले लिया, हालांकि उनको उन विधानसभाओं का नाम लेना था जहां पर बीजेपी के विधायक हैं और जहां काम नहीं हुए हैं, या कांग्रेस के जहां पर काम नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने जहां पर मध्य में जब विकास कार्य के लिए अभिनंदन हो रहा था वहां का भी नाम ले लिया, और जो विधायक हैं आरिफ मसूद जो अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्षद स्तर के जो नेता होते हैं, जो वार्डों के नेता होते हैं, वो एक बड़े मंच पर जब आते हैं तो अपनी बात कहने के लिए बात कहते हैं, और कई बार ऐसी बात निकल जाती है जो कि हास्यास्पद वाली स्थिति पैदा कर देती है और अपने ही नेता को, अपनी ही पार्टी को घेरने का काम करती है। यही भोपाल में भी देखने को मिला। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।